हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? फाइन। तो आज मैं अपनी मैथ्स की सीरीज़ का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा लेक्चर है ये है आज एलसीएम के ऊपर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो एलसीएम है इसको हम दो मेथड से फाइंड करेंगे। एक हमारे पास मेथड होगा एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकेंड वन होगा हमारे पास एलसीएम बाय डिवीज़न। आज हम जो फर्स्ट मेथड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सबसे आना पहला बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कि एलसीएम हमको प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। मैं पहले आपको थोड़ा एलसीएम के बारे में बता देता हूँ। तो एलसीएम की एक्चुअली में जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन, कॉमन जब वर्ड कॉमन यूज हो जाता है तो इसका मतलब कि हमारे पास एक से ज्यादा नंबर है। अब हम एक में कोई भी हमारे पास चीज होगी तो हम उसमें थोड़ी कॉमन बता पाएंगे, हमको कंपेयर करना है उसको किसी के साथ। तो कॉमन, कॉमन किसके लिए, मिनिमम हमको टू नंबर्स चाहिए होते हैं मिनिमम। ठीक है, तो यहां पे हमको बताना है कि लीस्ट मीन्स आ गया सबसे छोटा। ठीक है, जो आपने मिनिमम दो नंबर, मैक्सिमम आप जितने मर्जी ले सकते हो, ठीक है, उनमें जो कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल की जो पहला मल्टीपल है उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल वो कौन सा है वो आपको बताना होता है। ठीक है, कि मतलब कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, जो दोनों के टेबल में आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, ये मैंने पहले से बना दिया था यहाँ पे, क्योंकि ये सारा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से था। ठीक है, क्यों, तो ये बिना समय गवाए हुए मैंने ये पहले से कर दिया था। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या करना होता है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको दिया हुआ यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम की फुल फॉर्म सभी को पता होनी चाहिए। एलसीएम क्या होता है, इट इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था वहां पे बताया था हाउ वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल ली है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द 24, 36 एंड द 54। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं अलग अलग से। ठीक है, प्राइम फैक्टर मीन्स कि हम वहां पे प्राइम नंबर्स ही लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं 24 के। ठीक है, 24 के प्राइम फैक्टर निकाले, वो क्या निकल गए, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 3, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 24। उसी तरीके से मैंने 36 और 54 के भी निकाल दिए। ये मैंने पहले से किया था सॉल्व, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, आज मैं मतलब कि जो मेन चीज बताने जा रहा हूँ आपको कि एलसीएम कैसे फाइंड करना है उस पर आप फोकस करोगे अभी। तो पहले आपने लिख दिया तीनों नंबर्स के जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी तीनों नंबर्स की, वो आपको लिखनी है। तो जैसे आपने लिख दी ये सभी तीनों नंबर्स की लिख दी, अब आता है कि इसका हमको एलसीएम कैसे फाइंड करना है। जब आपने तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पे लिख दी, तो अब एलसीएम के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 54 इज इक्वल टू। एलसीएम में आपको जो मेन चीज है वो क्या करनी है, अब पहले देखना है, पहले वो नंबर लेना है जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, जैसे हमारा ये 2 आ रहा है, 2 तीनों में है, इसको हम ले लेते हैं, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो कोई और नंबर जो हमारी जो तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन थी उसमें कॉमन है, बिल्कुल है हमारे पास, कौन सा है, ये 3 है, मतलब तीनों में है। अब देखो कोई और नंबर है कि जो तीनों में कॉमन है और हमारा मतलब तीनों में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब 2 में होगा वो, नहीं, पहले अभी पहले देखना आपको तीनों में है, 3 में और कोई नहीं है जी। अब देखो कि कोई वो नंबर की जो 2 में कॉमन है। ठीक है, दो नंबर, दो प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है, जैसे हमारे पास 2 दो प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन था, इसको ले लिया हमने। अब कोई और नंबर 2 में कॉमन होगा, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब जो बच गए हैं उनको रहने दो आप। ठीक है, पहले आपने क्या करना है कि जो आपके 2 में कॉमन थे या 3 में कॉमन थे उनको आपने एक एक बार ही लिखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे हमारा 2 कितने टाइम कॉमन आया था, एक टाइम, मतलब एक बार तो आया था कि वो तीनों में कॉमन था, एक बार आ गया वो 2 में कॉमन है। उसी तरीके से 3 एक बार तीनों में कॉमन आया था और 3 एक बार 2 में कॉमन आया था, हम इसको लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है,
अब हमारे पास जो बचे हुए नंबर्स हैं अब आपने उनको लिख देना है। जैसे हमारे पास पहले जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी 24, वहां से क्या बचा हमारे पास, 2 बचा हुआ है, हम इसको 2 को लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी, इसमें कुछ भी नहीं बचा हमारे पास 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसमें सभी किसी ना किसी में कॉमन आ गए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 में हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक है, 3 बच गया। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, अभी आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 216, ये है, ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको यहां पे क्या आना चाहिए, पहली बात कि जो आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कॉमन देखना आना चाहिए, ठीक है। फर्स्टली मतलब ये कंपलसरी नहीं कि आपको 3 नंबर का ही होगा, 2 का भी हो सकता है या 3 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आपने यहां पे देखा, यहां पे 3 नंबर मैंने लिए हुए थे, तो पहले आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास 2 आया था तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन, मैंने 2 को एक ही, जो कॉमन आएगा उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। जो कॉमन आएगा, बेशक वो 2 नंबर में 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है, बेशक वो 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है, उसको एक ही बार, और जो नहीं होगा कॉमन तो उनको भी सेपरेटली आपने अलग अलग लिखना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, वो मैं सिर्फ 2 नंबर की लूंगा, ठीक है, समझ लेना। अब जैसे आपको कोई नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर दिए हुए हैं आपको, कोई भी ले लेते हैं, सपोज आपको 28 दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है, ठीक है, 28 और क्या दिया हुआ है आपको, 36। आपको फाइंड करना है 28 और 36 का। पहले दोनों की आपको क्या करनी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने बताया था, सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन, यहां पे हम लिखते हैं जिस नंबर के हमको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, और उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास कि प्राइम फैक्टर्स तो हम फाइंड कर रहे हैं, हमने कहां से स्टार्ट करना है, हमेशा जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमने पहले उसमें चेक करना है कि क्या जो हमारे पास जिस नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, क्या ये नंबर उसके टेबल में तो नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल आता है 2 के टेबल में, ये 14 बिल्कुल आता है, क्योंकि इसकी जो वंस प्लेस है वहां पे कौन सा नंबर है हमारे पास, इवन नंबर है, ठीक है, इसीलिए जो 28 है वो 2 के टेबल में आता है। तो 2 को हम 1 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 28, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। फिर हम 2 को करते हैं 7 से, ठीक है, फिर 7 इटसेल्फ जो प्राइम नंबर है, यहां पे 1 आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहां पे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट 36 के निकालने हैं आपको, 36 के आपको अभी भी निकाले थे, ठीक है, 2 के साथ करेंगे, 2 वन जा 2 हुआ, 2 वन जा 2, मगर यहां पे क्या था, 3, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जो नंबर होगा, जैसे आपने उसको मल्टीप्लाई किया 2 को 1 के साथ किया तो क्या आया आपके पास, 2 आया, ठीक, लेकिन आपके पास यहां पे क्या था, 3, तो आपने इसको क्या कर देना है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपके पास 1 बच गया। 1 जो आपका नेक्स्ट डिजिट होगा उसके आपने लेफ्ट साइड पे लगा देना है, ठीक है, 1 जो आपका नेक्स्ट डिजिट होगा उसके आपने लेफ्ट साइड पे लगा देना है, ऐसे नहीं लगा देना यहां पे लगा देना है, तो उसको मतलब माइंड में सेट करना है कि अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 16। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 आएगा, 2 को हम 8 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16। वापस 2 से करते हैं हम, 2 को हमने किससे किया, 9 से किया, ठीक है, अब 3 से करेंगे, 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों की जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी दोनों नंबर्स की निकल गई, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 7 एंड देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आपको एलसीएम के लिए क्या करना है कि जो कॉमन नंबर होगा दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको वो लेना है, ठीक है। अब पहले हम कॉमन चेक करेंगे, जैसे 2 हमारे पास कॉमन है, क्लियर हो गया, ये तो था, नेक्स्ट 2 भी हमारे पास कॉमन है, ये हो गया, जो हमने कॉमन थे वो ले लिए। अब देखो यहां पे 7 है, एक ही नंबर बचा हुआ है हमारे पास, क्या है, 7, तो 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 तो नहीं है, ठीक है, और जो बाकी वाले नंबर हैं वो भी अलग अलग हैं। अब एक बात जो मतलब कि स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं, वो क्या देखते हैं कि नहीं यहां पे 2 बार था वो इसको भी 1 बार,
आपको ये नहीं चेक करना जो दो नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हो उनमें देखना है, ये नहीं कि यहां पे अगर जितनी बार मर्जी होगा अगर वो कॉमन नहीं आया ऊपर वाले नंबर में भी जिसकी आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली है उसमें कॉमन नहीं आया तो आपने उनको सेपरेटली ही लिखना है। क्लियर? तो अब यहां पर मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 28 and 36 इज इक्वल्स टू क्या आ गया जो कॉमन है उसको एक ही बार 2 into 2 into। अब जो कॉमन नहीं था हमारे पास 7 तो नहीं था, ठीक है। अब वही बात कि मतलब कि 3 को मैंने दो बार लिखना है क्योंकि ये एक ही नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है। अगर ये दो नंबर की में आता तो फिर भी मेरे को दो बार लिखना था, ठीक है। यहां पे 3 into 3। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ये 2 लिख दिया मैंने, तो अब मैं करता हूं इसको मल्टीप्लाई 2 to 4। ठीक है, क्लियर हो गया। ये था हमारा एलसीएम बाय जो हम मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे मतलब कि आपके सिलेबस में या आपकी एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो नंबर दिए गए होंगे उन दोनों को आप उन दोनों के आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं अलग से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल के, ठीक है, जो दोनों में कॉमन नंबर होगा उनको आपने एक एक बार लिखना है, जो नहीं कॉमन होगा उसको जितनी बार वो नंबर होगा उसको उतनी बार ही लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वहां पे मैं लेके आऊंगा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, लाइक कमेंट जो आप पहले भी करते हो उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है मेरे को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाने का, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, गुड डे टू ऑल ऑफ।